सकते हैं बरकट्ठा में जो है घमासान होने वाला है। सुनील कुमार के नाम पे देखिए समर्थक किस तरह से भीड़ लगाए हुए हैं और उनके जो समर्थक हैं भारी संख्या में जो यहाँ पे आ गए। जो लोकतंत्र का त्यौहार है उसमें अपने घर से बच्चे जो छोटे छोटे हैं उनका चेहरा देख के मतदान, हैदराबाद में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, उनसे आप एक चीज समझने का कोशिश कीजिएगा, उनसे पूछिएगा कि उनका दर्द क्या होता है, उनका चेहरा देख करके बात कीजिएगा और उनके बाद मतदान कीजिएगा। तो देख सकते हैं मेरे साथ बरकट्ठा से जो उम्मीदवार है सुनील जी। सुनील जी, आप जिस दिन नॉमिनेशन का फॉर्म लिए थे लग रहा था कि बहुत हल्के कैंडिडेट है, लेकिन आपके समर्थक में पूरा बरकट्ठा लग रहा है कि आ गया है। सबसे पहले जय हिंद जोहार झारखंड, और आपको बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके जितने भी दर्शक हैं उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और मैं आप तो उसी दिन से ही आप मेरा ये लिए हैं, बहुत अच्छा लगा। हम लोगों ने नॉर्मली तरीके से लिया था, और आज मैंने कल से ही लोगों को मैंने मना कर रहा था कि आप प्लीज़ मत आइए, आप देख सकते हैं वो भीड़ मेरे बाहर में जितने भी लोग हैं, ठीक है, सही लोग हैं बाहर। जी जी बिल्कुल, मैंने कुछ लोग और लोगों के भी हैं, सब लोग मेरे नहीं, लेकिन हाँ मेरे ज़्यादा हैं, ज़्यादातर आपके लोग। जी हाँ, अभी कुछ देखिए, आप जितने भी लोग हैं, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, सभी लोग इस तरह से नामांकन कराएँ, हम लोगों ने सबसे पहले फॉर्म लिया, बिल्कुल सिस्टमेटिक रूप से। आज अंतिम दिन है, अंत भला तो सब भला, आज लास्ट है। और हम लोगों ने एक निर्णय लिया है, हम लोग एक चीज जांचने का प्रयास कर रहा था कि आखिर प्रत्येक दिन जो जनता के जो बीच में खर्च किया जा रहा है, प्रत्येक दिन जो नॉमिनेशन में जो खर्च किया जा रहा है, आप खुद सोचिए, आप हर जगह देखते होंगे, पूरे झारखंड में आपका एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, देश में भी आपका बहुत पूर्ण स्थान है। मैं एक चीज नोटिस कर रहा था सिर्फ इसलिए कि अंतिम में दिन में करूंगा तो सबको बता सकूं, जनता का आंखें खोल सकूं। आखिर जो करोड़ों रुपया एक जनप्रतिनिधि एक दिन में खर्च कर रहे हैं तो आपका डेवलपमेंट में ध्यान कैसे देंगे वो, सबसे पहली बात। चाहे वो जनप्रतिनिधि का हो, चाहे वो पैसा किसी समर्थक का हो, चाहे वो पैसा किसी कार्यकर्ता का हो, वो मैंने नहीं करता है, लेकिन मेरा बरकट्ठा का पैसा 1 करोड़ रुपया 1.5 करोड़ रुपया प्रत्येक दिन नॉमिनेशन के दिन खर्च हुआ है। अब ये बात सोच करके देखिए कि वो बात करें, आप समर्थक भी इंतजार कर रहे हैं। हाँ तो सुनील जी ये बताइए, बरकट्ठा में कई प्रत्याशी हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि 15-16 लोग कर रहे हैं नॉमिनेशन, ज्यादा है तो क्या लगता है कैसे इन सबके बीच में एक निर्दलीय प्रत्याशी जीत पाएगा? बरकट्ठा में बहुत कंफ्यूजन पैदा कर दिया गया। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम एक कहना चाहते हैं कि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतना कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये उत्सव है, बिल्कुल ये उत्सव है, इस उत्सव को आराम से, प्यार से और एक बिना तनाव का, अभी जितने भी प्रतिनिधि है लगभग जिलजिला मूड में हो गए हैं, आखिर जितने भी प्रतिनिधि है सब लोग एक जिला मूड में हो गया है, किन्हीं का कोई माइंड नहीं काम कर रहा है, लेकिन हम लोग एक प्लानिंग तौर पे काम कर रहे हैं और हम लोग अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। हम लोग चुनाव जीतेंगे, अभी आज गाइडलाइन पता चल जाएगा कि कितने टोटल प्रत्याशी यहाँ से किए हुए हैं। मैं एक क्या क्या जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं जनता से एक ही चीज अपील करना चाहूंगा कि आप इस बार का जो लोकतंत्र का त्यौहार है उसमें अपने घर से बच्चे जो छोटे छोटे हैं उनका चेहरा देख के मतदान कीजिए। दूसरी बात यह है कि आपके घर के जो बड़े बड़े स्तर पे परिवार हैं, वो जो बाहर में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, गुजरात में रहते हैं, कलकत्ता में रहते हैं, अहमदाबाद में रहते हैं, सूरत में रहते हैं, हैदराबाद में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, उनसे आप एक चीज़ समझने का कोशिश कीजिएगा, उनसे पूछिएगा कि उनका दर्द क्या होता है, उनका चेहरा देख करके बात कीजिएगा और उनके बाद मतदान कीजिएगा। हम लोगों ने एक एजेंडा तय किया है और उसमें हम लोग एक रूपरेखा के अनुसार हम लोगों ने एक तय किया हुआ है कि कैसे हम लोग काम करेंगे। हम लोग एक ब्लू प्रिंट तैयार किए हुए हैं कि किस तरह से हम लोग काम करना है, नहीं करना है। टोटल लोगों से हम एक ही चीज़ अपील करना चाहेंगे कि इस बार का मतदान का जो प्रक्रिया होगा, एक रीजन वाले को चुनिए, विजन वाले को चुनिए, सच्चा चुनिए, अच्छा चुनिए। ये मेरा एक हमेशा से यही नारा रह रहा है, क्योंकि बरकट्ठा में इतना कन्फ्यूजन पैदा हो गया है। आखिर बरकट्ठा में ही ऐसा क्यों हो रहा है? सब लोग विधायक बनना चाहते हैं। हाँ नहीं, आखिर ऐसा ऑप्शन ऐसा पड़ा क्यों? हर जगह पे नहीं हो रहा, हर जगह पे सही काम हो रहा है, तो चुनने वाले तो आप होते हैं। बिल्कुल चुनने वाले तो आप सब, जितने भी हमारे बरकट्ठा के जनता जनार्दन हैं, हमारे परिवार हैं, चुनते तो आप ही हैं और उनको ऊपर लेवल तक भेजते आप ही हैं। आपकी आवाज को सड़क से लेकर के सदन तक अगर बुलंद नहीं कर सकते हैं वो, तो आप भी अपना निर्णय बदलिए। बिल्कुल युवाओं का भी समस्याओं को समझिए, हमारी बहुत बड़े तादाद में युवा का समस्या बढ़ते जा रहा है, दर्द को समझिए। और हमारे दर्द को, युवा के दर्द को बुजुर्ग लोग नहीं समझेंगे, उस हमारी उम्र को क्रॉस कर चुके हैं वो, तो इस चीज को हमको उनको समझाना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम सभी लोगों तक हम नहीं पहुँच पाए,
इसके लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन लोकतंत्र का जो वोट होगा जिस दिन त्यौहार होगा उस दिन आप अपना नहीं, उस दिन में पहुंचने की बात नहीं, हो सकता है कि इनके पास मैं डायरेक्ट नहीं पहुंच पाऊं, लेकिन अपना निर्णय को बदलिए। हम लोगों ने प्रत्येक प्रखंड में ऑफिस खोलने का काम किया है, सभी प्रखंड में ऑफिस खुलेगा। अब जनता दरबार बरकट्टा विधानसभा में नहीं लगेगा, विधायक जाएगा जो उनके दरबार। क्या बात, नारा हम लोग चेंज कर रहे हैं, जनता दरबार नहीं होगा, विधायक जाएंगे जनता के दरबार। जस्ट हम लोग थीम उल्टा करेंगे। आखिर हमको इतना दर्द क्यों होता है, हम इस चीज़ को समझिए, आप थोड़ा बाहर आइए। हमें कुछ चीज़ दिखाई देता है, बहुत सारी योजनाएं हैं, जनता की बुनियादी समस्या बहुत कम है, आखिर उसको समझने का प्रयास कीजिए। हम यही चीज़ कहना चाहते हैं कि इस लोकतंत्र में घर से बाहर निकलिए, मतदान कीजिए, अच्छा से कीजिए, अच्छा चुनिए, सच्चा चुनिए और लोगों को काम करने वाले। कट्ठा में जो है घमासान होने वाला है, सुनील कुमार के नाम पे देखिए समर्थक किस तरह से भीड़ लगाए हुए हैं और उनके जो समर्थक हैं भारी संख्या में जो यहाँ पे आ गए हैं और इस बार कट्ठा में लग रहा है कि बदलाव आएगा। तो बड़ी में जब नॉमिनेशन के आखिरी दिन देख सकते हैं दोनों के समर्थक, एक प्रत्याशी के समर्थक इधर नारा लगा रहे हैं और एक प्रत्याशी के समर्थक जो है इधर नारा लगा रहे हैं, तो माहौल एकदम पूरा चार्ज है बरकट्ठा बरी में। बरी का जो नॉमिनेशन है, नामांकन का आखिरी दिन, लग रहा है कि चुनावी माहौल झारखंड में आ चुका है और बरी का ये माहौल देखने लायक है। चाहे वो कोई प्रत्याशी हो, अपने कार्यकर्ताओं के साथ नॉमिनेशन से जैसे ही बाहर निकल रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, नारे लग रहे हैं, एक ही जगह पे दो प्रत्याशी हैं उनके लिए नारे लग रहे हैं, तो इस तरह का माहौल आप देख सकते हैं। लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं, जन समर्थन में लोग खड़े हुए हैं, तो चुनावी माहौल जो है वो झारखंड में देखने को मिल रहा है। तो यही माहौल पूरे बरही को और इलेक्शन में चार चांद लगा रहा है, ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन प्रॉपर पूरी तरह से लड़ा जा रहा है और यही माहौल 13 तारीख तक देखने को मिलेगा, क्योंकि 13 तारीख को हजारीबाग बरही बरकट्ठा इस जगहों पर चुनाव है और इस चुनाव में क्या होता है आगे आपको देखेंगे। बाकी फील्ड रिपोर्ट हम लोग करेंगे, कौन सा कार्यकर्ता कौन सा प्रत्याशी फील्ड में काम कर रहा है, ये सारी बातें हम लोग जानेंगे। लेकिन आज नॉमिनेशन का आखिरी दिन था हजारीबाग बरही बरकट्ठा के लिए, वो ख़त्म हो चुका है और लास्ट दिन क्या माहौल था हम लोगों ने आपको ये भी दिखाया और जो नए प्रत्याशी हैं, निर्दलीय प्रत्याशी हैं कई जगहों से, उनसे भी बात की और बताया क्या चल रहा है चुनाव का माहौल।